नमस्कार। हत्या लूट बलात्कार का मन रहा त्योहार है, खून की हो रही होली, गोलियों की दिवाली भी, क्या यही बुद्ध की भूमि है? मैं यह इस बात यह कह रहा हूँ क्योंकि दीप होली के दिन महमदपुर बेनीपट्टी थाना मधुबनी जिला के अंतर्गत जो खून की होली का खेल खेला गया, आज उसका मुख्य आरोपी बेनीपट्टी थाना ने गिरफ्तार कर प्रवीण झा को गिरफ्तार किया और उसके साथ साथ चार साथी को भी गिरफ्तार किया। होली के दिन शाम के 6 बजे DMCH में बदलता बिहार की टीम मौजूद थी। इस दरमियान वहां पर जब दो गोली लगे हुए व्यक्ति ने पहुंचा तो उनको मदद की और उसी के साथ सबसे पहले खबर को चलाया गया था और कल भी मैंने आप लोगों को वहाँ का लाइव दिखाया था। आइए घटना को जानते हैं विस्तार से। बेनीपट्टी की टीम ने कैसे और कहां से मुख्य आरोपी दिनांक 23/3/2021 को लगभग 1 बजे अपराह्न कार्रवाई मधुबनी के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत महमदपुर में तालाब मारने को लेकर के पुराने विवाद और आपसी रंजिश के कारण गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें और लोहे के रड से मारपीट की घटना हुई, जिसमें 29/3 को दो व्यक्ति, 30 तारीख को एक व्यक्ति और उसके बाद अगले दिन एक व्यक्ति, कुल 5 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए बेनीपट्टी कांड संख्या 67/21 दर्ज किया और उसमें कुल 35 अभियुक्तों को नामजद किया गया। मेरे ही दिशा निर्देश पर SDPO बेनीपट्टी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा आज हम लोग के द्वारा जो है 7/4 को रात्रि में लगभग 2/4 से 3 बजे के बीच में जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त हैं प्रवीण झा, चंदन झा, भोला सिंह, मुकेश साफी को गिरफ्तार किया गया प्रहलाद महतो के घर से और एक कमलेश कुमार की गिरफ्तारी भी कल हम लोग के द्वारा की गई। अभी तक जो कुल हम लोग के द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है वो भी मैं निम्न प्रकार आपको बता देता हूँ। प्रवीण झा, घनश्याम झा, सुनैना देवी, राजेश कुमार झा, ऋषिकेश कुमार झा, अभिषेक कुमार झा, निखिल कुमार झा, शोभा कांत मेहता, देवेंद्र नाथ ठाकुर, प्रशांत झा, कमलेश सिंह, भोला सिंह, चंदन झा, मुकेश साफी, सोनू चौधरी, प्रहलाद महतो। इसमें हम लोग के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 तारीख को ही हम लोगों ने कोर्ट में इश्तिहार कुर्की के लिए आवेदन दे दिया, जिसके एवज में हमें 3 तारीख को संध्या तक कुर्की जब्ती प्राप्त हो गई। इश्तिहार की कार्रवाई भी हम लोगों ने 3 को किया और 4 तारीख से हम लोगों ने कुर्की प्रारंभ कर दिया, जिसमें प्रवीण झा, नवीन झा, मुकेश साफी एवं अन्य के यहाँ कुर्की की जब्ती की कार्रवाई हो भी गई। इसके अलावा अन्य के विरुद्ध जो सिर्फ इसमें गिरफ्तार हो गए हैं, अब उनके यहाँ कुर्की नहीं होगी क्योंकि वो गिरफ्तारी हो गई। अब 5/4 को आज कल जो है हम लोगों ने अन्य जो भी अभियुक्त हैं, जैसे मनोज झा, अमरजीत झा, जुन्ना सिंह, कमलेश सिंह, सुजीत कुमार सिंह, विश्वजीत कुमार झा एवं अन्य जितने लोग हैं, इन सब के लिए के यहाँ कुर्की के लिए जो वारंट और इश्तिहार की जो प्रक्रिया होती है माननीय न्यायालय में अभ्यावेदन समर्पित कर दिया गया है, जिसे हम लगता है कि कल तक वो भी हमें प्राप्त हो जाएगी। इसमें जो भी अग्रतर जो हम लोग के द्वारा जो कार्रवाई है वो अभी भी निरंतर जारी रहेगा और इसमें जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य FSL के द्वारा उस जगह का सही से आकलन करना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और साथ साथ में जो भी मैनुअल इंटेलिजेंस है उसको हम लोग प्राप्त करके, और अब हमारा मुख्य एम रहेगा कि जो भी अपराध कर्मी हैं उनको हम लोग सही से चार्जशीट दाखिल करके सही समय पर सख्त से सख्त स्पीडी ट्रायल चलाते हुए सजा दिलवाएं।